जिसकी कामयाबी रोकी नहीं जा सकती, लोग उसी को बदनाम करते हैं। एक हमारे अजीज कह सकते हैं, बहुत ही करीबी मित्र हमारे खान सर हैं, उनको हम बहुत नज़दीक से जानते हैं। हम दोनों लोग एक साथ जो है पढ़ाना स्टार्ट किए थे, एक ही प्लेटफॉर्म पर। मैं मैथ्स पढ़ाता था, वो जीके जीएस पढ़ाते थे। और ऐसा नहीं कि पहले हम लोग साथ थे भाई, अभी भी साथ हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी हम लोग एक ही बिल्डिंग में दोनों लोग की ऑफलाइन क्लासेज लगती है। मेरा ग्राउंड फ्लोर पे क्लास है और सर जो है ऊपर वाले फ्लोर पे पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत करीबी से सर को जानते हैं। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि जो खान सर हैं वो स्टूडेंट के प्रति अपने जो काम है उसकी प्रति 100% जो है आपका समर्पित रहते हैं। और ये जो कोरोना काल है इसमें वो ऑनलाइन आए, और सिर्फ कह सकते हैं विद्यार्थी को ही नहीं, उनके मम्मी पापा को, उनके संबंधियों को कह सकते हैं, उनके पेरेंट्स को तरह तरह का अद्भुत ज्ञान दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ाई से हटके भी उसने काफ़ी सारी जो व्यवहारिक बातें हैं वो उन्होंने बताया, और ये आपका सराहनीय है, ये अपने आप में अद्वितीय है। मैं भी जो है कभी कभी फुर्सत के पल में सर की वीडियो देखता हूँ, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, काफ़ी कुछ जो है बाहरी बातें हैं वो जानने को मिलता है। तो ये जो इधर 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, इसमें खान सर को कह सकते हैं सोशल मीडिया पर इतना कह सकते हैं परेशान किया जा रहा है कुछ कुछ मुद्दे को लेकर के। और ये वैसे कह सकते हैं 2-4% लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनको सच बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो किसी न किसी मुद्दा को खड़ा करके खान सर को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात आप पूरे देशवासियों को कहना चाहते हैं कि भाई खान सर एक शिक्षक हैं, हम भी एक शिक्षक हैं, और बहुत सारे शिक्षक हैं। और एक शिक्षक की ना कोई जाति होती है, ना कोई उनका धर्म होता है, ना कि कोई मजहब होता है, और ना ही उनका कोई सरनेम होता है, या फिर इससे आपको कोई मतलब भी विशेष रूप से नहीं होना चाहिए आपका। अब बताओ यार, किसी टीचर को परेशान करो, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या, ये क्या बात हुआ यार। अरे एक शिक्षक जो है आपको ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान को आप अर्जन करो ना। अगर मान लेते हैं उनके पास कुछ निगेटिविटी है, मान लेते हैं, ऐसे मैं एक बात बता दूं कि हर इंसान में आपका कुछ न कुछ निगेटिविटी है ही, आपका कुछ न कुछ बुराइयां हैं ही, तो यार आप समझदार हो, नहीं तो समझदार बनो अगर आप नहीं हो तो। अगर मान लेते हैं मेरे अंदर पॉजिटिविटी भी है और निगेटिविटी भी है, तो आप क्या करो, जो मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी चीज़ें हैं उसको आप गेन करो, और जो मेरे अंदर कुछ अगर आपको बुराइयाँ दिख रहा है तो उसको आप क्या करो, मेरे पास नहीं छोड़ दो। तो मेरे प्यारे जितने भी कह सकते हैं देशवासी हैं, जितने भी वो सारे 2-4% लोग हैं जो एक शिक्षक समाज को परेशान कर रहा है, विशेष रूप से खान सर को परेशान कर रहा है, उनसे मैं खास तौर से कह रहा हूँ, ये सब यार किसी शिक्षक के साथ ऐसा मत करो। और अगर मान लेते हैं कोई अगर आपको मुद्दा ही चाहिए, तो देश में अनेकों मुद्दा है, आप कोई भी मुद्दे को उठाओ, और वैसी मुद्दा को उठाओ जो देश के हित हो, उससे देश की विकास हो, आप वो मुद्दा को उठाइए, मीडिया में लाइए, हो सकता है वो चीज़ को जब सही करे तो देश का विकास आपका होगा। तो आप सारे के सारे जितने भी लोग हैं, आप खान सर को इस बुरे दौर में एकदम कर सकते हैं बढ़ चढ़ करके सपोर्ट करिए। जितने भी मेरे शिक्षक मित्र हैं, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, अरे ये बात तो तय है यार कि अगर एक लीडर अगर जम के सपोर्ट पे आ जाए ना, लीडर कहने का मतलब शिक्षक, तो उसका जो चलवन है वो तो अबे करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं आपका है, ठीक है। तो खान सर आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं, हम सब आपके साथ हैं। आप अभी देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं, सारे एजुकेटर हैं वो आपके साथ हैं, और सारे विद्यार्थी आपके साथ हैं। पिछले रात को ऐसे अक्सरा जो है उनसे बातचीत होती रहती है, तो मैंने बातचीत किया, चीज़ को समझा बुझा, और कहीं ना कहीं ये 2-4 दिन में चीज़ें शांत हो जाए, ऐसी हम लोग की कोशिश है, प्रयास है। और ख़ास करके विद्यार्थियों को मैं ये बात बता रहा हूँ कि आपको तनिक भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खान सर को हम लोग कुछ नहीं होने देंगे, किसी भी तरह की परेशानी से उन्हें जूझने का, लड़ने का हम लोग हौसला प्रदान करेंगे, और किसी भी तरह की आँच उन पर नहीं आने देंगे, ठीक है भाई। तो ये विशेष रूप से कर सकते हैं, बुरा दौर है, टल जाएगा। जिस प्रकार आपका सूर्यास्त होता है तो पता है सूर्योदय भी होता है, रात होता है तो सवेरा भी होता है, तो ये आपका बुरा दौर है, टलेगा, और आपको तनिक भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक विशेष रूप से शेर जो है, शायरी जो है खान सर के लिए मैं यहाँ पर देखा हूँ, बहुत ही बेहतरीन लाइन है, जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। भाई आप मंझे हुए प्लेयर हो, हमको पता है, और आपको हौसला बिल्कुल नहीं हारना है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। क्या दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले अलग अलग हैं? कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष होकर निखर जाता है। तो आपको संघर्ष करना है, मैं आपके साथ हूं, पूरा एजुकेटर आपके साथ है, पूरा विद्यार्थी आपको साथ है, और संघर्ष करके आपको बिखरना नहीं, क्या करना है, निखरना है आपका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं
आप सारे के सारे जितने विद्यार्थी हैं एकदम सपोर्ट में आइए, और मैं भी एकदम सपोर्ट में हूँ, 100% बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, और अगर जरूरत पड़ा तो इन फ्यूचर भी आपके साथ हम एकदम कदम से कदम मिला करके खड़े रहेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को ख्वाहिश था कि सर खान सर के बारे में कुछ कहिए, तो भाई मेरी राय आपका ये है, आप सारे लोग सर के साथ रहो, मैं भी हूँ और भविष्य में भी साथ रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर कभी अगर वैसी जरूरत पड़े तो। बाय।